Hello guys and welcome back to Soul Blaze channel, and today's video is all about Georgia Pool and how you can survive flank and rotate in Georgia Pool. तो आपको कुछ टिप्स दूंगा जो मैं यूज़ करता हूँ, और आप वीडियो देखिए शुरू से तो आपको समझ आएगा। तो हम यहाँ अपनी फेवरेट जगह जॉर्जिया पूल लैंड कर रहे हैं। यहाँ मैं सोलो हूँ और मेरे साथ जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी स्क्वाड आ ही रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है अच्छे से ग्लाइड करना। अगर आप जॉर्जिया पूल जा रहे हो तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, आपको ढंग से ग्लाइड करना और जल्दी पहुँचना है। अगर आप नहीं पहुंच पाओगे तो फिर आप मरोगे, कोई चांस ही नहीं फिर आपके बचने का, क्योंकि बहुत स्क्वाड आती है। ऐसा भी हो सकता है आपको कोई जगह ही ना मिले लूटने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके आसपास कितने स्क्वाड है, कौन कहाँ उतर रहा है, और ट्राई करना कि गन फाइट ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में मेरे राइट लेफ्ट नीचे हर जगह बंदे, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा ग्लाइड करके थोड़ा आगे जाऊँगा जहाँ कोई नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर मैं आराम से लैंड करूँगा, अपना लूटूँगा और उसके बाद मैं रश करना शुरू करता हूँ। तो यहाँ लकीली मैं जहाँ उतरा वहाँ कोई भी नहीं आया था, मैं अकेला उतरते ही मुझे स्कारल और डीपी मिल गई। तो मुझे पता था कि क्योंकि लेफ्ट साइड दो स्क्वाड उतरी है तो उनकी गन फाइट है, तो सबको का तो गन मिलेगी नहीं, तो उनमें से कोई ना कोई पक्का वेरा उसकी साइड भागेगा। तो मैंने फटाफट गन उठाई और चल पड़ा वेरा उसकी साइड। तो एज आई एक्सपेक्टेड यहाँ बंदा आ चुका था, पर इस बेचारे को बस एक पिस्टल ही मिली। तो यहाँ मैंने इसे कंफर्म किया और मुझे पता था आगे बंदे हैं, तो मैं फटाफट वेयरहाउस के एंड में गया, टीवी पे लिया, देखा बंदे कहाँ हैं, और स्पॉट करते एक बंदे को नॉक किया। नॉक करने का मुझे पता था उनमें से आधों के पास गन तो होगी नहीं, तो नॉक कंफर्म किया मैंने उसे फटाफट और पुश कर दिया। तो जैसे ही मैंने इस बंदे को टीपी से नॉक किया, मुझे अपने आसपास फुटस्टेप्स की आवाज़ आई, तो मैं पीछे कवर में गया, मैंने देखा बंदा कहाँ है, तो ये बंदा यहाँ भाग रहा था। ये बहुत मैंने टैग कर दिया था, इसे एक दो हिट्स पड़ी थी तो मुझे पता था लो था, तो मैंने इस पर डायरेक्टली पुश कर दिया। चलो इसका हो गया जी। अब आगे देखते हैं, आगे मैंने डीपी से एक बंदा नॉक किया था, तो उसका मेट देखो भाई बिल्कुल ही ओपन में, उसको कोई आइडिया नहीं कहाँ से पड़ी है, बिल्कुल ओपन में रेफ कर रहा है। तो यहाँ इसने बहुत बड़ी गलती की, चलो कोई नहीं हमें तो किल मिल गई हमारा क्या। तो यहाँ मैं आगे मूव कर रहा था, मुझे गन शॉट की साउंड आई, तो मैं उस साइड बढ़ा, मैंने उस थोड़ा सा टीपी पे लिया, देखा बंदे का वेट करा आने का, तो मेरे को कोई नहीं दिखा। फिर मुझे एक बंदा दिखा, तो मैंने यहाँ पे होल्ड किया अपना आराम से, मैंने कहा आने दो, ऐसा थोड़ा ना पता है मैं यहाँ पे हूँ, आराम से टीपी पे लेंगे, क्या दिक्कत है भाई। तो सबसे ज़रूरी यहाँ पर जॉर्जिया पूल कंटेनर्स में है कि आप अपने आप को स्पॉट ना होने दो, क्योंकि गोली कहीं से भी पड़ सकती है। आप ऐसे जैसे इस बंदे ने एक को नॉक किया और ऊपर में नाच रहा है, ऐसा तो मत ही करो। और यहाँ मेरी सेंसिटिविटी गलत थी भाई, बहुत ही गंदा हगा मैंने स्प्रे में, पर किसी तरह वो नॉक हो गया। तो यहाँ पे कंटेनर्स खाली थे, इसका मेट यहाँ पे नहीं था, तो मैं आगे बढ़ा फिर यहाँ से। तो यहाँ जॉर्जो क्लियर हो चुका था, तो मैं जॉर्जो सिटी की साइड जा रहा था, तो इतने में मुझे एक बंदा दिखा ऊपर। ये बंदा मुझे बहुत ही ईजिली मार सकता था, इसने गलती कर दी, स्पॉट हो गया और फिर सेम जगह से पीक लेने लगा, तो मैं रेडी था उसके लिए, मैं वहीं पीक करके बैठा था, तो वो खुद ही मेरे एम में आ गया और मर गया। तो अगर आप किसी को स्पॉट करते हो तो सेम जगह से पीक लेके मारने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो बंदा रेडी होता है आपके लिए, थोड़ा सा पोजीशन चेंज करके आराम से आके मार सकते हो उसे। तो यहाँ मैं आ गया बैक सिटी में, यहाँ पे मेरे को एक बंदे के फुटस्टेप की आवाज़ आई, तो मैंने एक ब्लाइंड नेट किया, मुझे कुछ आइडिया था वो कहाँ पे, तो मैंने बस एक ऐसी रैंडम नेट फेंक दिया कि क्या पता वो डर के मारने निकले और मुझे पता चल जाए कहाँ पे। तो इतने में मुझे वो दिखा उस घर में नीचे वाले फ्लोर पर था, तो मैं आगे गया, फिर कोई साउंड ही नहीं आ रही थी, तो पता नहीं वो कहीं जाके छुप गया था। तो मैंने जस्ट एक अंदाज़ा लगाया कि क्या पता अंदर वाले रूम में बैठ के टीपी भी ले रहा हो, तो मैंने एक प्री नेड वहाँ भी कर दिया, तो वो बंदा वहीं निकला बेचारा, और वो अकेला था, उसके टीममेट्स उससे दूर थे। मैंने हॉल पे जाके बेचारे से कहा भाई कहाँ हो, रिवाइव हो जाओ, पर उसने कहा भाई नहीं मेरे मेट सही नहीं यहाँ पे। हेलो ब्रदर, अरे नहीं चाहिए भाई लूट भाई, नहीं चाहिए। हेलो 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 भाई, नहीं चाहिए भाई तेरा सामान, भाई नहीं चाहिए तेरा सामान। ले ले, उसे भी मरने वाला हूँ, क्यों मेट पटना कहाँ रहे है? नहीं, मेड नहीं है, मेड नहीं है। तो भाई पहले बताते, मैं मारता नहीं।
तो जॉर्जो की एक खास बात ये है कि यहाँ पे सारी फाइट्स क्लोज रेंज होती है, तो आप साउंड के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो बंदा कहाँ है, और बिना देखे भी फ्री फायर करते हुए बंदे को इजीली ले सकते हो। तो इसी तरह से यहाँ पे मैंने इन दोनों को मारा, तो यहाँ पे इतने पे हम पे एक और स्क्वाड ने पुश कर दिया बिल्कुल, तभी मतलब थर्ड पार्टी का पूरा प्रयोग करने की कोशिश की उन्होंने, पर यहाँ फेल हो गए इन्होंने। ये बंदा बिल्कुल ही ओपन में आ रहा था तो बहुत इजीली नॉक कर दिया मैंने। इतने में राइट से एक और बंदा आ गया, पर मुझे लेफ्ट में एक और बंदे का पता था, मैं डायरेक्टली पुश नहीं कर रहा था कहीं वो मुझे लेफ्ट से नॉक ना कर दे। तो यहाँ मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, मेरा पता नहीं एम बिगड़ गया, नॉक नहीं हुआ, पता नहीं कैसे शॉट्स मिस कर दिए मैंने, और मेरे मेट ने गलती ये कर दी, वो मेरे साइड से बाहर चला गया, तो मैं उसे कवर फायर नहीं दे पाया, तो मेरा मेट नॉक फिनिश हो गया। मुझे पता था वो बंदा अकेला है, तो मैंने फटाफट उसे पुश किया, उसे नॉक किल किया, क्योंकि मुझे एमओ भी चाहिए थी तो किल करना पड़ा, वरना मैं उसे बेट भी कर सकता था। मैं दोनों बंदे सामने थे और मैं इस साइड से टीपी भी ले रहा था, तो ये डायरेक्टली मेरे पे पुश नहीं करा। इन लोगों को लगा मेरे पास चाइनीज़ ईयरफोन्स है और ये राइट से भाग के आ जाएगा और मुझे पता ही नहीं चलेगा, पर इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे ओपन में कभी भी पुश नहीं कर सकते आप, तो इसको यहाँ मैंने नॉक किया। अब इसका मेट तेज चला था भाई, इसने सोचा फ्रैग करूँगा, मार दूंगा, हीरो बन जाऊंगा, पर कहाँ भाई हमारे आगे थोड़ा चलेगा, तो यहाँ मैंने इसके मेट को ही मारा। तो यहाँ सामने से चार बंदों ने मेरे पे पुश कर दिया, इनको लगा कि मैं राइट साइड हूँ, स्मोक हो गया, तो ये आराम से लेफ्ट से जाएंगे, मेरे पे फ्लैंक करेंगे और मुझे मार देंगे। पर भाई ऐसा थोड़ा, हम नूब थोड़ा, हम भी यहाँ लेफ्ट गए, अपना प्रोन होकर इनके आने का वेट करने लगे। पर आते आते शायद इन्हें रास्ते में बॉट मिल गया, पता नहीं क्या हुआ, ये तो अपनी दूसरी साइड टीपी लेने लगा, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया इन दो बंदों को नॉक करने का, और नॉक फिनिश करके मैं पीछे को भागा। फिर जब तक मैं पूरा रोटेट करके राइट से इनके पास आया, तब तक ये सारे गायब हो चुके थे, पता नहीं भाग गए क्या किया इन्होंने, ये मेरे को मिले ही नहीं वापस। तो यहाँ मैं फंस गया था भाई, बहुत ही इंटेंस सिचुएशन में, चार अपोनेंट और बॉट भी भाई, मतलब सारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ बड़ी मुश्किल से बचा मैं, देखते हैं कैसे। तो एक बंदे को नॉक किया मैंने, दूसरे बंदा भी, साउंड आई मुझे तो मैंने उसे भी नॉक किया, और पीछे से भैया बॉट ले गया भाई, ऑलमोस्ट बच गया जरा जरा सा, तो यहाँ बॉट को मारा मैंने। बॉट को मारने के बाद फटाफट अपने मेट को रिवाइव किया, और रिवाइव करते ही मैं राइट में चला गया, क्योंकि हीलिंग बिल्कुल भी नहीं थी। मैं राइट में जाके मैं टीपी भी लेने लगा और वेट करने लगा उनके आने का। तो अब देखे भाई यहाँ पे मैंने 1 HP पे कैसे क्लच किया। मेरी हेल्थ एक बॉट ने कितनी कर दी, पूरा बंदा सामने। मैं ना म्यूट करूं पहले, नंबर बंदे आ रहे हैं। से आ रहा है मम्मी, क्या क्या तो यहाँ पे ये बंदा अपने मेट को कवर ओवर देने जा रहा था, यहाँ पे 3 स्क्वाड लड़ रहे थे, ये पीछे से नॉक हो गया, इस बेचारे को कोई आइडिया भी नहीं होगा इसके साथ क्या होने वाला है। तो यहाँ पे नॉक किया मैंने, यहाँ पे एक किल चुराई, उसके बाद यहाँ पे 1 स्क्वाड ख़त्म हो गया था, और दूसरे बाकी जो 2 स्क्वाड बचे थे वो लड़ रहे थे, तो यहाँ पर उनकी भी फाइट ख़त्म हुई। तो जस्ट टू बी श्योर मैंने एक नेट कुक किया और फेंक दिया कि कोई टीपी भी ले रहा हो तो बाहर निकल जाए। तो यहाँ नेट फेंका मैंने, नेट फेंकते एक किल और मिल गई, आखिरी बंदा आ गया हमें फ्री किल देने। तो बस भाई हमने ऐसे ही बहुत आराम से गेम निकाला अपना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो के साथ।